हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ एनसीआर बाइकर्स। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीआर बाइकर्स में। दोस्तों, आज की राइड होने वाली है हमारी दिल्ली टू जैसलमेर। दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इंडो पाक बॉर्डर। जस्ट पीछे हमारे बॉर्डर है, ये देख सकते हो आप। फिलहाल जा रहे हैं हम उस वॉच टावर पे, वहाँ से देखेंगे, वहाँ से पाकिस्तान का सीन दिखाई देता है, वहाँ से पाकिस्तान का व्यू आता है, वो देखने जा रहे हैं। लेट्स गो। दोस्तों, फिलहाल हम वॉच टावर पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी हवा चल रही है, देख सकते हो। पीछे का व्यू दिखा दो। वो पाकिस्तान का वही तो लग रहा है यार, सामने व्हाइट कलर का बोर्ड जो लग रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिलहाल वॉच टावर से देख के हम आ चुके हैं। थैंक यू फॉर योर विजिट। दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं लोंगेवाला। जस्ट मेरे पीछे ये वॉर मेमोरियल, और काफ़ी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रखा है इस टाइम। सो फटाफट से अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी की चीज़ें। फिलहाल दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर कैफे, और ये सामने ये देखो बॉर्डर मूवी का सारा यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो शो दिखाते हैं, जिसकी टिकट हमने ले चुके हैं, और थोड़ी देर में शो देखते हैं। पहले कुछ खा पी लेते हैं। और रोड जो बनाई हुई एकदम बटर स्मूथ बनाई हुई है। काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं मैगी। ये उस टाइम की इलेक्ट्रिक लैंप है, पानी की बोतल और कंपास, और ये बैटल ऑफ लोंगेवाला की हिस्ट्री है। असली में देखी होगी, मूवी में देखी होगी भाई। हाँ, बच्चों का नहीं, ये रोक। गाइस, फिलहाल हम एक शॉर्ट मूवी देखने आ गए हैं, जिसका टिकट है यहाँ पे 25 रुपीज। सो आज थोड़ा सा क्राउडेड है, क्योंकि काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, और वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड भी है। सो अभी शो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 97 वॉर की सारी हिस्ट्री बताई जाएगी। गाइस, 250 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। शाम का मौसम हो रहा है इस टाइम, फटाफट से चेकिंग करते हैं। ये यहाँ का एंट्री गेट। सो लेट्स गो, आ जाओ। थोड़ी सी नींद लेने के बाद आ चुके हैं, और हमारा राजस्थानी फोक म्यूजिक एंड डांस स्टार्ट हो चुका है।
day later. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं राइड के लिए, साथ में हिमांशु। भाई आराम से चलना है यार। नाराज क्यों हो रहा है यार? अरे वेट क्यों कर रहा है यार? नाराज क्यों हो रहा है? ये मजा आ रहा है। चले एक बार ले, उन्हें करके बढ़िया घुमाए। क्यों नहीं, पकड़ लो पीछे, छोड़ना मत, पकड़ लो पीछे। छोड़ा पाकिस्तान। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर के फोर्ट में, जो कि यहाँ का ऑफिशियल राजा का महल है। सो आप देख सकते हो कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी क्राउड है। आज एक लॉन्ग वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। सो हमने यहाँ पे एक गाइड हायर किया है जो कि 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और डिटेल में आपको यहाँ की सारी हिस्ट्री बताते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए गाइड हायर कर लो, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और सारी हिस्ट्री आपको यहाँ की पता लग जाए। तो जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से जाएंगे और सारी महल को देखने के बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसल राजा, पहले राजा जैसल जिन्होंने किला बनाया था 12 जुलाई 1156, राजा जैसल जिन्होंने इस किले का फाउंडेशन रखा था। राजा का नाम जैसल मेरू पहाड़ को बोलते हैं, जैसल और मेरू जैसल मेरू हुआ है, समझे ना। ये 1971 में दरबार लगता था, व्हाइट मार्बल पे राजा, स्टेप पे पार्लियामेंट और सामने चामुंडा टेम्पल या बैसा का बलि होता था। 71 तक चला यहाँ, 71 में मूवी बना था रेशमा और जेरा, सुनील दत्ता, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, उस टाइम समझे ना, उस टाइम में आखिरी बार बलि हुआ था। उसके बाद में बलि प्रथा पे बैन लग गया था, इंदिरा जी ने बैन लगा दिया था। और 71 से राजाओं को जो सहायता करती थी गवर्नमेंट, उसको बंद कर दिया था। अब ये सारा प्रॉपर्टी राजा के पास में, राजा इधर रानी इधर, एक राजा अनेक रानियाँ होती थी, रणवास में होती थी, पर्दा पड़ता था, बाहर का प्रोग्राम रानी देखती थी, बाहर का आदमी रानी को नहीं देख पाता था। ओके ड्रम बजता था, सैनिक अलर्ट होती थी, राजा को झुकना पड़ता था तो गणेश उतारते थे। फाउंडर ऑफ जैसलमेर, किला बनाने वाले पहले राजा जैसल, इनके नाम से ही जैसलमेर है। अच्छा, इन्हीं के नाम से फाउंडर ऑफ जैसलमेर। ये भगवान कृष्ण की 116वीं जनरेशन है, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण उनका फैमिली से है ये। ये चंद्रवंशी राजा है, ये पीता नजारा जो देख रहे हैं ना ऊपर से देख रहे। अच्छा ऊपर से ये 7.5, ये राजा का हाइट था 7.5 में, 1890 में थे ये, हाइट था 7.5 फुट, 2.5 किलो का वजन। अच्छा। इनसे बड़े राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, मान सिंह, माधव सिंह बड़े बड़े राजा हुए हैं। और ये ओरिजिनल फोटो है जवाहर सिंह, और ये यहाँ से रास्ते ही खत्म हो गया था, गिरधर सिंह, रघुनाथ सिंह उधम, इनका शादी भी नेपाल हुआ था, इनके बाद में इनका रास्ते तक 14 वर्ष में हुआ था, इनका 52 वर्ष में डेथ हुआ है।
कोरोना काल में लीवर प्रॉब्लम आ गया तो 52 साल उनका डेथ हुआ। इनकी विशेषता थी हैंडसम राजा थे, एशिया के सबसे सुंदर राजा घोषित हुए थे। जब भी किले पे आते थे इनकी नजर उतारी जाती थी। तो अभी कोविड में हुआ है इनका? अभी कोविड में हुआ दो साल पहले 28 दिसंबर 2020 में हुआ है। ये ब्रदर थे, इनका प्लानिंग मर्डर हुआ था 97 में। ये साजिश के शिकार हुए थे। अच्छा, लिक्विड दिया गया था पॉइजन। और ये अभी लेटेस्ट राजा है चैतन्य राज, ये है बैटलर। इनका भी एक हवेली गुड़गांव में डीएलएफ में है। अच्छा, वेद पाठ ब्राह्मण लोग। अच्छा, वो राजा जी रह रहे यात्री वाले महल में। कौन सा वाला? वो वाला। अच्छा, उसमें रहते हैं ना वहाँ पे, वहाँ से जाते हैं रास्ता, वहाँ से जाता है। हाँ, भूलभुलैया फिल्म बनी है वहाँ। भूलभुलैया अक्षय कुमार का। अच्छा जी, और वहाँ से कन्नौट रास्ता जाता है। गली सर। कौन सा लेके? गली सर। अच्छा अच्छा, वो रेलवे स्टेशन भाई। सफारी का है। अच्छा, पूरे हैंड फिटिंग।